दिल्ली मेट्रो में आपका स्वागत है। देखो ये देखो जी। क्रीम आ गई जी, क्या बात है, इतनी क्रीम खिला देते हो। दिन में जल्दी रंदी पर के जल्दी रंदी जी। की में है, पसंद ना आए थाली छोड़ो, चाकू ना पहने मेरे वापस है। मेरे दो हाथ और आधा एक हाथ, मतलब ढाई गिट की दुकान है इनकी। तो ये मैंने सुना कि साल में एक ही महीना मिलती है, बस ओनली एक महीना। एक महीना अंग्रेजों के टाइम से ना सवारी निकलते है रामलीला की, तो उनमें मेरा भी रोल है, रावण का रोल। इसको खाने के लिए ना 11 महीने इंतजार करना पड़ता है। तो भाई साहब चांदनी चौक पहुंच चुका और चांदनी चौक के ना ऐसे ऐसे जायके दिखाऊंगा, बड़ा मजा आएगा। पहले गुरुद्वारा साहिब के दर्शन करेंगे और उसके बाद जायके जो दिखाने वाला हूं बड़े शानदार बड़े मजेदार होने वाले। आओ मैं दिखाता हूं, चलो मेरे साथ। चांदनी चौक के जायके दिखा रहा हूँ और जायके में ना भाई साहब सबसे बढ़िया जायका जो है ना, जहाँ से मैं स्टार्ट करने लगा हूँ भाई, ये है जी मटर कुल्चा। राजू भाई के मटर कुल्चे काफी सालों से मैं भी यहाँ पे आके खा रहा हूँ। भैया जी क्या हाल है आपके? बढ़िया जी। भैया जी, भैया क्या नाम है आपका? हैप्पी नाम है मेरा। हैप्पी, राजू किसका नाम है? राजू पिताजी का नाम है मेरे। अच्छा, कितने सालों से खिला रहे हो भैया कुलचे छोले? ब्यास थर्ड जनरेशन में हूँ, 60-70 साल तो हो गए। 60-70 साल से कुलचे छोले खिला रहे हो? छोले कुलचे, क्या बात है। ऐसा क्या खास डालते हो भाई साहब? भाई साहब खास क्या, लोगों का प्यार है। मतलब चांदनी चौक में जिसने आना उसने ये बोलना है कि भाई साहब राजू भाई के पास राजू भाई जरूर खाने। आपको चांदनी चौक में नहीं छोड़ में एंट्री करोगे किसी पता करना राजू भाई, क्या कोई बता देगा आपको। तो भाई एक प्लेट हमारे लिए बना देना है। हाँ जी। तो ये बन रहे जी पत्ते के ऊपर, डाक का पत्ता होता भाई? डाक का पत्ता भी, उत्तराखंड का पत्ता ये है। आप ये दिल्ली से बाहर से आते हैं सारे? दिल्ली से बाहर से आता है। तो क्या क्या आ रहा है भाई बता देना जरा। ये गरम मसाला आ गया हमारा, अच्छा होममेड। ये पीली मिर्च, ठीक है। ये स्वाद अनुसार नमक आ गया, ठीक है। ये धनिया पुदीना आमले की अदरक की चटनी, अच्छा आंवला भी होता है चटनी में? आंवला भी होता है, क्या बात है जी। ये नींबू आ गया ऊपर से। खास बात बताऊं, ये पत्ते के अंदर बना रहे हैं, वो पुराना जो सिलसिला चल रहा है ना काफी सालों से, कितने सालों से चल रहा है भैया? भैया तीसरी पीढ़ी में खड़ा हूँ, मेरे दादाजी ने चालू किया था, मेरे पिताजी खड़े होते हैं यहाँ पर। अच्छा थर्ड जनरेशन आ गई है। टेस्ट वही चल रहा है भाई? हैं टेस्ट वही चल रहा है भैया। तो ये वही मसाले हैं, वही चटनी है और वही टेस्ट है, वही टेस्ट है। तो पत्ते के ऊपर बना लिया भाई ने मटर, ये आ गई फिर से चटनी, चटनी आ गई ऊपर से, ये हमारी मीठी चटनी है खजूर वाली, खजूर वाली। हाँ जी। ये धनिया अदरक हरी मिर्च, धनिया हरी मिर्च और अदरक प्याज लच्छे प्याज, ये अचार आ गया हमारा गाजर का, हरी मिर्च का, हरी मिर्च का अचार। तो भाई कितने बजे से कितने बजे तक खड़े रहते हो आप? 12 बजे से शाम को 6 बजे तक। देखो जी अपनी प्लेट आ चुकी है जी हाथ में, ये देखो। तो भाई कितने की प्लेट होती है भाई? ये 40 रुपए की। 40 रुपए के दो कुलचे? दो कुलचे, दो कुलचे साथ में गर्मा गर्म मटर, एकदम गर्मा गर्म मटर है। और कुछ लोग यहाँ पे मजे से खा रहे हैं, ये देखो ये भाई खा रहे हैं इधर, और इधर ये भाई सब खा रहे हैं। ये बी पराग जी, पक्की गल है, क्या बात है जी। कहाँ से आए हो आप? अम्बाला से। अम्बाला से आए हो, ये देखो साथ साथ में लॉट लग रहा है पतीले के अंदर। तो भाई ये कचौड़ी बनने जा रही है, ये देखो जी ये आ गई मटर कचौड़ी। सबसे पहले भाई कचौड़ी के ऊपर लगा दी इन्होंने मटर, मटर के बाद चटनी आ गई, कुछ मसाले आ गए, ये आ गई जी स्पेशल चटनी मीठी वाली, ये तैयार होगी जी कचौड़ी। ये कितनी कीमत होती है भाई? 40 रुपए की दो। तब ये देखो जी, ये है जी चांदनी चौक के जायके, और चांदनी चौक के जायकों में ना सबसे पहला जो नाश्ता दिखा रहा हूँ ना भाई, कुलचे छोले का दिखा रहा हूँ। और ये देखो जी, ये कुलचे तो सब जगह आपको सेम ही मिलेंगे, दिल्ली में जो कुलचे चलते हैं वो वही कुलचे हैं, और जो ये मटर और जो चांदनी चौक के मसाले, पीली मिर्च जो काला मसाला होता है यहाँ के चाट में ना चार चांद लगा देता है, और साथ में ये लाल वाली चटनी, लाल वाली चटनी छोलों के अंदर आपको नहीं मिलेगी। और ये मैं बाइट बनाता हूँ एक बढ़िया सी शानदार सी मज़ेदार सी, और ये देखो जी इस प्लेट के अंदर ना जो खास चीज़ है मटर है, वो तो सब जगह सेम मिलते हैं, कुलचे हैं वो भी सब जगह सेम मिलते हैं, जो उसके अंदर तीन चार मसाले डाले हैं ना, जो मसालों का हेर फेर है, बड़ा शानदार है, बड़ा मज़ेदार है। पर इनके पास एक आइटम और मिलती है भाई, मटर कचौड़ी, तो वो भी दिखाई है मैंने आपको वीडियो में, बड़ी शानदार चीज़ है। तो भाई इसके बाद जो जायका दिखाऊंगा ना वो इससे भी बढ़िया होने वाला है, तो मैं इसको फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ अगले जायके की तरफ। दाल मखनी शाही पनीर रायता सलाद मखन दे नान फुल थाली 50 रुपए दी है, और दाल सब्जी अनलिमिटेड जिन्नी मर्जी लो, अनलिमिटेड 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार जिन्नी मर्जी लो। क्या बात है जी, अनलिमिटेड चांदनी चौक के अंदर 50 रुपए की थाली खिला रहे हो, जिन्नी मर्जी थाली खाओ 2 बार 4 बार 6 बार 10 बार, क्या बात है। क्या क्या बताओ जरा। दो नान अगेने, अच्छा दो नान अगेने, और शाही पनीर है, दाल मखनी है, चना मसाला कुछ भी लो, क्या बात है जी भाई साहब, जितना मर्जी लो मालको। देखो ये क्रीम आ गई जी, क्या बात है, इतनी क्रीम खिला देते हो। दिन में जल्दी रंदी पर के जल्दी रंदी जी। क्रीम आपकी फ्री में आती है क्या भाऊजी? भाऊजी बस
करा करा प्यार चलता आ रहा है। क्या बात है, मक्खन डाल दिया आपने। बिल्कुल भाजी। भाई साहब चांदनी चौक के अंदर 50 रुपए की थाली अनलिमिटेड थाली, अनलिमिटेड शाही पनीर ले लो, जितना मर्जी दाल ले लो। क्या क्या आइटम होती है अपने पास? मेरे को चना मसाला होता है, कड़ी पकौड़ा होता है, ये आइटम होती है। ये जी दाल मखनी है भाई, एकदम गाड़ी का दाल मखनी है। अदरक लच्छे देखो, क्या अच्छे देखो, अदरक चेक करो। क्या बात है जी, शाही पनीर होगा गाढ़ा गाढ़ा एकदम। आ देखो बटर चेक करो, गाढ़ा गाढ़ा शाही पनीर। मेरे को चना मसाला होता है, ये चना मसाला, चना कभी चना मसाला, कभी कड़ी कड़ी पकौड़ा। अच्छा, कभी कभी चाप। मेन्यू में तीन आइटम है, तीन आइटम है। एक प्लेट नान ले लो, चाहे पूरा पतीला खा लो, जितना मर्जी खा लो जी, खाई जाओ बस, पवाई जाओ। क्या बात है जी सर, मतलब कोई ब्रेक नहीं लगेगी? ना जी ना, दो बार, चार बार, छह बार, दस बार, जितनी बारी मर्जी लो। अच्छा, कोई हाथी लोग लड़ा। तो थाली में क्या क्या देते हो आप? थाली में दाल मखनी, शाही पनीर, रायता, सलाद। शाही पनीर खा कर खत्म कर लो, छोले पवा लो, छोले खत्म करो, पनीर पवा लो, दाल पवा लो, चलता रहता है, कोई मना नहीं। चांदनी चौक का सबसे सस्ता पंजाबी ढाबा है भाई साहब, यहाँ पे बढ़िया बढ़िया चीजें खिलाई जा रही है, मजेदार खिलाई जा रही है, अनलिमिटेड सब्जियां मिल रही हैं। और ये रिफिल करने जा रहे हैं, देखो ला ला, देखो ये देखो सलाद आ गया जी, लोग मजे से एंजॉय कर रहे हैं, खा रहे हैं भाई साहब। ये देखो बढ़िया भाई, बड़े पुराने आते हैं, बहुत बढ़िया है। क्या बात है जी, मैं टेबल दिखाता हूँ, सारे ऑलमोस्ट फुल हैं। ये देखो, आ जाओ भाई जी, अब देखो जी, गाड़ी गाड़ी दाल मखनी देखो जी, क्या बात है जी। आ देखो जी, दाल मखनी आ गई भाजी, दाल मखनी आ गई, शाही पनीर आ गया भाजी, ये रायता आ गया, गाढ़ा गाढ़ा भाजी, सलाद आ गया, चटनी, पुदीना, अनारदाने, कच्चे आम दी, ऊपरों देखो जी बटर आ गया जी, फिर पनीर आ गया, देखो जी फिर फ्रेश क्रीम आ गई। देखो जी, ये देखो जी नान आ गए, दो नान आ गए भाजी, लंबे लंबे देखो जी, मन थाली के अंदर दो नान आते हैं, नान नान की जगह कुछ और मिस्सी ले लो, एक नान की मिस्सी ले लो, या चार फुलके ले लो, चार रोटी, चार बटर रोटी, यानी चार बटर रोटी। अब फुल थाली पंजाब की थाली है, पचास रुपए, पचास रुपए भाजी, पचास रुपए। देखो ना नान, देखो नान सही, देखो आलू का नान है ये, आलू नान जी देखो, क्या बात है, इतनी दीवानगी भाई साहब। चेक करो ये देखो, ये आलू की फिलिंग चेक करो, फिलिंग चेक करो, पूरा भरे आलू भरे, पचास रुपए में आप कमा के रहे हो। वाहेगुरु की कृपा चलता आ रहा है, वाहेगुरु पर चलता आ रहा है हमारा, वाहेगुरु कृपा कर दे, पहने बरकत पा रहे ने। क्या बात है, करा करा तार मिला, शाम दाल रोटी मिल जाओगी काफी माल को। मेन्यू है जी, ये देखो जी, इनका मेन्यू है, लच्छा बना 60 रुपए, बाकी सब 50 रुपए। क्या बात है जी, पंजाबी थाली की सबसे बढ़िया, एकदम ब्राउन ब्राउन, बिल्कुल शक्ति बोगाटा होता जी मेरा, स्पेशल आटा लगाना, अरे एकदम ब्राउन होएगा, इतना मिक्सअप नहीं। मैंने वो देख लिया, पता लग गया, रंगत से पता लग गया जी, प्योर होगा जी। आपकी दुकान पे आने के लिए लोकेशन आना पड़ेगा जी, भगत प्लस नियर सीजन डिस्पेंसरी, चांदनी चौक। मेरा नाम है कमल दी, मोबाइल नंबर 9910126723 है, एक बार और सेवा का मौका दो। और स्कीम है, पसंद ना आए थाली छोड़ो, चार गुना पैसे मेरे वापस है तुरंत, पसंद ना आए बिल्कुल, चैलेंज है मेरा। क्या हर वीडियो में चैलेंज करना, थाली पसंद ना आवे छोड़ दो, चार गुना पैसे वापस। कितने बजे से कितने बजे तक? सुबह 10 तो लेकर शाम 7:30 तक जी। सुबह 10 बजे आए थे आप? हाँ जी भाई, नाश्ते से लेके आपने? बिल्कुल 7:30 तक, 7:30 तक, बिल्कुल बिल्कुल जी। और अनलिमिटेड है, दो बार चार बार जितनी मर्जी सब्जी लो, और कोई चार्ज नहीं है जी। तो भाई साहब मेरी थाली लग चुकी है, और मैंने लगवाई लच्छा पराठा थाली, और इसकी कीमत 60 रुपए, इनकी यहाँ पे थाली जो 50 रुपए स्टार्ट हो जाती है। अनलिमिटेड शाही पनीर ले लो, अनलिमिटेड दाल मखनी ले लो, और साथ में लो रायता, इसके कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। और भाई साहब ये देखो जी, लच्छे पराठे बड़े गजब के हैं भाई, और प्योर आटे के हैं। भाई 60 रुपए कीमत है, उस रेट के हिसाब से बढ़िया है, शानदार है, मजेदार है। वीडियो के अंदर ना बढ़िया बढ़िया जायके दिखाएंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना, आज बड़ा ही स्वाद आने वाला है। आज पूरा फूड टूर चांदनी चौक का करा रहा हूँ आपको, मैं फिनिश करता हूँ, मिलता हूँ अगले जायके की तरफ, आओ नज़ारे दिखाता हूँ आपको। तो भाई इस समय मैं हूँ जी लाजपत राय मार्केट में, और ये मार्केट ना इलेक्ट्रॉनिक की मार्केट है, यहाँ पे डीजे स्पीकर वगैरह सब कुछ मिलते हैं, छोटे छोटे मतलब 100-150 रुपए से स्पीकर मिल जाते हैं। और तो कभी आपको स्पीकर लेने की जरूरत हो ना, तो इस दुकान पे आ जाना, ओमेक्स इलेक्ट्रॉनिक दुकान का नाम है भाई। भैया कितने रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं स्पीकर? 180 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। हमारा नाम लेके कोई आएगा, डिस्काउंट दोगे? स्पेशल डिस्काउंट मिलेगा। तो आओ दिखाता हूँ मार्केट की ओर नजारे आपको। चांदनी चौक के अंदर हर तरह का सामान मिल जाता है, हर तरह की दुकान है, हर तरह की मार्केट है, कुछ मेडिसिन की दुकान है, कोई डीजे की दुकान है। भाई मार्केट के अंदर ना व्यापारी दूर दूर से आते हैं, पर खाने की जरूरत तो हर किसी को होती है भाई। तो चांदनी चौक के खाने दिखा रहा हूँ, दिल्ली जाके जाके दिखा रहा हूँ, आओ दिखाता हूँ क्या क्या होने वाले हैं। चांदनी चौक की गलियों में घूम रहा हूँ, चांदनी चौक की गलियों में ना मालीवाड़ा, मालीवाड़ा इस जगह को बोला जाता है, और यहाँ पे ना कपड़े के बड़े सारे शोरूम है, सब कुछ दिखाऊंगा, और साथ में खाना तो दिखाना मेरा काम है, वो दिखाऊंगा, आ जाओ। तो भाई मालीवाड़ा के अंदर घूम रहा हूँ, मालीवाड़ा के अंदर ना एक छोटा सा सेटअप है रोहित सैंडविच के नाम से, और अंकल जी मेरे साथ। अंकल जी नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल अंकल आपके? साहब जी ठीक ठाक। अंकल मूछे आपने बड़ी शानदार रखी हुई है, पंजाबी में कहते हैं ना जिद्दी मुछ नहीं होता कुछ नहीं, कुछ नहीं यार।
क्या बात है अंकल, क्या खिला रहे हो वहाँ पे? सैंडविच है जी। अच्छा, सैंडविच होते हैं। कितने सालों से खिला रहे हो? साल हो गए जी, 32-33 साल हो गए। सन 90 से लगा रखी दुकान। सन 90 से सैंडविच खिलाते हो सिर्फ? तो हमारे लिए बनाओ एक सैंडविच बढ़िया सा। तो ये बन रहा है जी सैंडविच, और फ्रेश वेजिटेबल काटते हैं और हैंड टू हैंड, मतलब काट के कुछ भी नहीं रखा हुआ, हैंड टू हैंड काटते हैं और हैंड टू हैंड तैयार किया जाता है। अंकल मुझे 90 से ऐसी रखी हुई है आपने? नहीं जी, उसके बाद रखी है। अच्छा, ये मूछों का क्या राज है अंकल? अंग्रेजों के टाइम से ना सवारी निकलते है रामलीला की। अच्छा, तो रामलीला में अलग अलग किरदार करना पड़ता है, सब तरह के यहीं के बच्चे होते हैं सारे। अच्छा, तो उनमें एक मेरा भी रोल है, रावण का रोल। क्या बात है जी। तो भाई रावण वाली मूछें अंकल जी ने रखी हुई है, बड़ी शानदार। और अंकल ये कौन सा सैंडविच बना रहे हो आप? नॉर्मल वाला बना रहे हैं। नॉर्मल वाला? नॉर्मल सैंडविच में क्या आता है? आलू, टमाटर, खीरा, प्याज, बटर। बॉम्बे स्टाइल? हाँ जी, बॉम्बे स्टाइल ना। मक्खन के ऊपर आ गया जी खीरा। खीरा, खीरे के बाद टमाटर है। टमाटर आ गया, आ गया प्याज। ये आ गई जी प्याज। तो आप कितने बजे तक मिलते हो अंकल? सुबह 11 बजे लगाते हैं दुकान, रात को 8 बजे तक। रात को 8 बजे तक छुट्टी कोई नहीं रहती है ना? संडे को छुट्टी, संडे ऑफ रहता है। संडे मार्केट पूरी बंद रहती है? पूरी नहीं, थोड़ी बहुत खुलती है, उसमें फिर हमारा मजा नहीं आता। अपने पास सैंडविच कौन से होते हैं अंकल वैसे? इसमें सैंडविच है जी हमारे पास, चीज वाला है, नॉर्मल है, भुजिया वाला है, ओनली पनीर का भी है, ग्रीन सैंडविच है, आलू वाला, सैलेड वाला भी है उसके अंदर। ग्रिल में 3-4 तरीके के, ग्रिल में 3-4 तरीके। हाँ जी, ये तैयार हो रहा है सैंडविच, शानदार वाला, मजेदार वाला। ये जी ग्रीन चिली, ग्रीन चिली है, ग्रीन चिली सॉस, ग्रीन चिली सॉस आ गई। केचप आपका? केचप आ गया। ये तैयार हो गया जी सैंडविच। कितनी कीमत होती है अंकल इसकी? ओनली 40 रुपीज। मिलोगे कहाँ पे? एड्रेस बताओ, लोकेशन बताओ। एड्रेस है जी बालू केसरी मंदिर, बालीवाड़ा, ठीक है, चांदनी चौक, दिल्ली 6। अच्छा, ये है जी बालू केसरी मंदिर के बिल्कुल बाहर लगाते हैं, MM क्रिएशन के नाम से दुकान है, उसके बाहर लगती है अंकल जी की कार्ड। सुबह 10 से अंकल? हाँ जी, सुबह 10 से रात को 8 बजे तक मिलते हैं। और ये मेन्यू है इनका। तो मेरा सैंडविच तैयार हो गया भाई, टेस्ट करता हूँ और आपको बताता हूँ। तो भाई साहब सैंडविच मेरा तैयार है, लो भाजी। तो भाई ये बॉम्बे सैंडविच है भाई, चांदनी चौक, ट्रोल बाग या पहाड़गंज जाओ ना, ये चीज़ ट्राई करना बनता भाई। तो ये ना मिस करने वाली चीज़ें नहीं है, क्योंकि ये पुराने एरियों में मिलती है, करोल बाग में मिलती है, चांदनी चौक में भी मिलती है। तो भाई कभी भी चांदनी चौक में आओ तो मालीवाड़ा में ज़रूर आना। ये मंदिर का नाम है बालू केसरी मंदिर के बाहर लगाते हैं अंकल जी, रोहित सैंडविच सेंटर के नाम से इनकी दुकान है। पाजी ले लिया आपने? बड़ी बड़ी स्पीड है यार पाजी आपकी। पाजी मज़ा आ गया, सैंडविच में बहुत खाए मगर मज़ा आ गया, ऐसा सैंडविच कभी खाया नहीं भाई। वाह, जब भी यहाँ आओ तो ये ज़रूर खाओ। भाई आप तो भाई ने भी बोल दिया कि जब भी आओ तो ज़रूर खाओ, आना, खाना हमें बताना हमारी रिकमेंडेशन कैसी लगी। जो से अगली चीज़ दिखाऊंगा ना वो बड़ी शानदार है, वीडियो के एंड तक बने रहना, ये बड़ा स्वाद आएगा। दिल्ली 6 के जायके दिखा रहा हूँ। दिल्ली 6 के जायकों में ना एक ऐसी दुकान पर ले गया हूँ जो 1940 से चल रही है, और यहाँ पे ना भाई साहब 12 महीने मूंग की दाल का हलवा मिलता है, 12 महीने मिलता है भाई साहब यहाँ पे मालपुआ, और यहाँ पे जो समोसे मिलते हैं ना देसी घी के, छोटे छोटे समोसे मिलते हैं, बड़े शानदार होते हैं, बड़े मज़ेदार होते हैं। राम प्रसाद माखन लाल के नाम से दुकान को जाना जाता है। और ये मैं खारी बावली में खड़ा हूँ, मसालों की दुकान है बड़ी सारी, पूरी मंडी है ड्राई फ्रूट मसालों की, तो उसमें ये छुपा हुआ खजाना है। आओ दिखाता हूँ, इनके समोसे ट्राई करेंगे, मालपुआ ट्राई करेंगे, और क्या ट्राई करेंगे वो दिखाएंगे। आ जाओ मेरे साथ, जिस दुकान पे मैं खड़ा हूँ ना उसके बारे में ये बताएंगे। भैया ये क्या रखा हुआ है ये बता देना इसके बारे में। अनरसे की गोली है, अनरसे की गोली बोला जाता है। हाँ जी। अच्छा, ये चावल की बनती है, ऊपर खसखस लगे होते हैं इसमें। अच्छा, तो ये मैंने सुना है कि साल में एक ही महीना मिलती है बस, ओनली एक महीना, एक महीना, और उसके बाद घेवर भी एक महीना मिलता है जी। केसर वाले घेवर है, ये मलाई घेवर है, ठीक है, ये भी जी एक ही महीना दोनों चल रहे हैं, ये दोनों आइटम में जी जी एक महीना चलता है। तो भाई यहाँ पे मिलेंगे आपको कचौड़ियाँ और समोसे, शाम के टाइम में कचौड़ियाँ और समोसे मिलती हैं। और भाई इधर गर्मा गर्म शानदार मज़ेदार वाली देसी घी वाली इमरती निकाली जा रही है, ये देखो। इमरती निकालना भी बस कला का काम है भाई, ये देखो, ये डंडी सी रखी होती है, डंडी के साथ साथ ना ये देखो भाई को पलटा जा रहा है, ये देखो। और इधर बन रही हैं पूड़ियाँ गर्मा गर्म, भाई साहब यहाँ निकल रहे हैं जी गर्मा गर्म देसी घी वाले समोसे, और छोटे साइज़ के समोसे। और कितने का समोसा होता है? 25 रुपये का समोसा। तो भाई 50 रुपये के दो समोसे हैं, 60 ग्राम का एक समोसा होता है। और ये देखो जी के साथ चटनी के साथ देते हो? चटनी ले लो, सब्जी चटनी कुछ भी ले सकते हो, सब्जी आलू और छोले की। तब ये है जी देसी घी वाले समोसे। और मैं खास चीज़ बता देता हूँ ये समोसों से क्यों अलग है नॉर्मल समोसों से, क्योंकि नॉर्मल समोसे होते एकदम हाई फ्लेम पे बनाए जाते हैं, और इस समोसे को बनने में ना मेरे हिसाब से 15 से 20 मिनट लगे हैं। तो कई जगह देखा कि यार 100-100 समोसा 10 मिनट में बना देते हाई फ्लेम के ऊपर, बट ये लो फ्लेम में बनाए हैं और प्योर देसी घी के, इतनी शानदार खुशबू आ रही है भाई साहब। और कहा जाता है इसकी ना फीलिंग भी अलग होती है,
तो मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि फिलिंग में क्या खास है। समोसे निकलने की बारी आ गई है, ये देखो। तो भाई बड़ी सारी आइटम है इनकी दुकान पर, जो शायद मेरे ख्याल से किसी आइटम को आप छोड़ नहीं सकते और किसी के आप नकार नहीं सकते। मतलब ट्राई तो सब कुछ करना बनता है भाई। लिमिटेड आइटमें मैंने लगवाई हैं। और इधर आओ भाजी, पास आओ। और ये समोसे देखो, ये जी मटर का समोसा देख रहे हो, 2500 रुपये का समोसा, और बीच में काजू नज़र आ रहे हैं, मटर नज़र आ रहे हैं, और उसके बाद ये है इनका, और साथ में ये इनका आलू का समोसा। ये देखो भाई गरम है, फुल गरम। ये देखो आलू के अंदर मटर भी है, आलू मटर मिक्स है, और एक फुल मटर का समोसा है। भाई दो तरह के समोसे मिलते हैं, जिसकी कीमत 50 रुपये के दो समोसे हैं, और साथ में दी जाती है दो तरह की चटनी, हरी चटनी। पहले मैं ट्राई करूँगा भाई इनका मटर वाला समोसा। ओए होए 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 भाई, मैं एक छोटी सी बात बोलूँगा, समोसे का साइज़ जो है वो 60 ग्राम का है, और उसके बाद ना छोटा समोसा है। दो समोसे भी खाओगे ना, चार भी खा लोगे, इतना शानदार समोसा है। उसके बाद बारी आई है मटर वाले समोसे की। भाई समोसे दोनों शानदार, मज़ेदार, लाजवाब हैं। उसके बाद बारी आती है घेवर की, ये देखो, ये है जिनका केसर घेवर। ओए होए होए, फुल क्रंची। ये देखो, ये नॉर्मल घेवर है इनका। भाई घेवर दोनों बड़े शानदार हैं। केसर लेना चाहते हो केसर ले लेना, उसका फ्लेवर थोड़ा अलग है। नॉर्मल लेना चाहते हो आप नॉर्मल ले सकते हो। और उसके बाद ये बारी आ गई, ये देखो अनरसा, ये चावल का बनता है भाई। ये देखो, ये अनरसा होता है, ये भी साल में ना सिर्फ इसी महीने में मिलता है, पूरे साल में। मतलब इसको खाने के लिए ना 11 महीने इंतज़ार करना पड़ता है। भाई ये चीज़ बड़ी शानदार है भाई। अनरसा ना एकदम अंदर से एकदम क्रिस्पी है, और इसका मतलब मैं समझ बारह बार टेस्टी होता है, पर क्या बताऊँ, क्योंकि पहले मैंने कभी ट्राई नहीं किया। क्योंकि तो चावल से बनी आइटम है, बड़ी शानदार है। और केसर घेवर है 840 रुपये, नॉर्मल घेवर 740 रुपये किलो। ये भी आपको साल में एक महीना ही मिलेगा। उसके बाद बारी आती है मालपुए की। ओए होए होए, बोलती बंद कर दी इसने मेरी। तो भाई जो मैंने चीज़ें ट्राई की हैं सारी शानदार मज़ेदार हैं। घेवर का रेट भी बता दिया, अनरसे का रेट बता दिया मैंने। मालपुआ 600 रुपये किलो है, 25 रुपये का एक पीस मिलता है। मालपुआ 25 रुपये का एक पीस है। अगली जगह जो लेके जाने वाला ना वो बड़ी ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो से एंड तक बने रहना, आज बड़ा मज़ा आने वाला है, चलो मेरे साथ। तो भाई चांदनी चौक की ना गलियों में ना रश बड़ा होता है, और छोटी छोटी गलियों में ना छोटी छोटी दुकानें दिखा रहा हूँ। छोटी छोटी दुकानों के अंदर ना भाई एक ऐसी दुकान पर लेके जा रहा हूँ, ये गिट्ठों के हिसाब से दुकान है। जो जायका मिल रहा है यहाँ पे, इन्होंने ना लोगों को ना मतलब हेल्दी चीज़ खिला रहे हैं, हेल्दी चीज़ पिला रहे हैं। फ्रूट जूस, कॉफ़ी, शेक्स, कोल्ड कॉफ़ी, हॉट कॉफ़ी सब यहाँ पे मिलेगा। और दिखाता हूँ, भाजी से बात भी करते हैं, चलो मेरे साथ। तो भाई साहब जूस बनवा रहा हूँ अपने लिए, ये देखो सरदार जी के पास। और सरदार जी की दुकान की बात करूँ तो मेरे ख्याल से चांदनी चौक में सबसे छोटी दुकान होगी भाजी है यहाँ पे। 1953 से है। 1953 से, और 1953 से जूस का काम है। हमारे दादाजी ने खोला था ये। अच्छा, थर्ड जनरेशन आ गई है। तो आपके पास जूस के अलावा और क्या क्या होता है वीर जी? जूस है, शेक है, चाय है, कॉफ़ी है, कोल्ड कॉफ़ी, मैंगो शेक, बनाना शेक, मिक्स जूस, मौसमी। मतलब जो बंदा थक गया गर्मियों में तो आपके पास आ गए। हमारा इलाका ऐसा है, मंडी वाला इलाका है, व्यापारी लोग भाई आते हैं, ठीक है, फटाफट अच्छी चीज़ खाने पीने को मिलती नहीं। वो कहते हैं मैंने ट्रेन पकड़नी है, बस पकड़नी है, फटाफट जूस बना दे, 3-4 घंटे निकल जाएंगे आराम से। बात ये क्या बात है, और चीज़ ओरिजिनल देते हैं। दुकान का साइज मतलब छोटा सा ही है। बरकत पान वाला ऊपर वाला है जी। क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोल दी भाजी ने कि बरकत पान वाला गुरु महाराज ही है। आपको कितने साल हो गए दुकान पे? मैं 94 से आ रहा हूँ। अच्छा, फादर साहब? वो बड़े बीमार हैं, वो घर ही रहते हैं। घर ही रहते हैं, ठीक है। साफ सुथरी आइटम देनी, साफ सुथरा माल मिलेगा। मेरे दो हाथ और आधा एक हाथ, मतलब ढाई गेट की दुकान है इनकी। और जो जायका खिला रहे हैं, जो जायका पिला रहे हैं, ये बहुत शानदार। टाइमिंग क्या होते हैं आपकी दुकान के? भाई साहब वैसे तो 11 तो 8 है, 11 बजे से 8 बजे तक, ठीक है, लेट हो भी जाते हैं। भाई ये कितने का गिलास होता है? ये 60 का है, 60 रुपीस का। भाई आपकी दुकान पे आने के लिए थोड़ी लोकेशन समझा देना। स्टेट बैंक के पीछे है, बिल्कुल स्टेट बैंक के। अच्छा, बिजली मार्केट साइड। हां, बिजली स्टेट बैंक की बिल्कुल बैक साइड। हां जी, बिल्कुल। भाई उठा लूं जूस? बिल्कुल उठाओ जी। ये देखो जी, ये 60 रुपए का गिलास है। ये मौसमी जूस है भाई? 300 ml का जी। हां, ये मिक्स है, मिक्स है।
तो भाई कोई कलर नहीं, कोई फ्लेवर नहीं, जो है ओरिजिनल नेचुरल एकदम नेचुरल है, सिर्फ मसाला डाला हुआ। तो भाई सब कुछ दिखाने के बाद, सब कुछ घुमाने के बाद, सब खिलाने के बाद ना भाई आत्मा यहाँ पे तृप्त होगी। पाजी के पास आके जूस पिया लास्ट में, शानदार जूस। क्या बात है जी, चांदनी चौक के ना अलग अलग जायके दिखाए इस वीडियो में, और लास्ट में आके ना हमने यहाँ वीडियो खत्म करी है पाजी के पास। इस वीडियो में जितनी चीजें दिखाई है ना, सबका एड्रेस, फोन नंबर और गूगल लोकेशन डिस्क्रिप्शन में दूंगा भाई। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे पहली बार आए चैनल सब्सक्राइब कर देना। इस तरह के कुछ नई वीडियो मिलते हैं एक नई जगह पर, एक नए खर्च जाएगी कहता। तब तक के लिए टेक केयर, सत श्री अकाल।